सिस्टम की शुरुआत करी। आज एक अच्छे पिन इमरान के पिन पे हैं और उसका देन ये है कि आप सब जैसे साथियों के साथ मिलके कदम बढ़ाते चले और अभी अभी हम 9वें दिन घर पे पहुंचे हैं। आज हमारी बारी है मार्केटिंग प्लान दिखाने का, क्योंकि प्लान एक तरह का हो तो बेहतर है, पूरी टीम इसको फॉलोअप करे। तो हम आपके सामने प्लान की बात रखते हैं। सबसे पहले जाने कि इसका पूरा आरसीएम, इसका पूरा नाम हुआ राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हिंदी हो गया बाजार करने का सही तरीका। बात आती है कि पूर्वजों के समय से जो परंपरा से बाजार चला आ रहा है, उस बाजार को जाने कि अगर ये तरीका सही है तो वहां गलती कहाँ हो रही है। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, यानी परंपरागत बाजार, जिस बाजार में कोई एक कंपनी सामान बनाती है और ग्राहक उसको इस्तेमाल करता है। हम 90% लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, उसके एवज में पैसा मिलता है और पैसे को हम बाजार में खर्च करते हैं। हमें कहा जाता है कस्टमर। कस्टमर अपने खर्चे को बाजार में करता है किसी रिटेल से, जिसको कहते हैं रिटेलर। ये रिटेलर अपने घर में नहीं बनाता, वो भी कहीं खरीद के लाता है, जिसको कहते हैं होलसेलर। होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल से लाता है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डीलर। और ये डिस्ट्रिक्ट डीलर भी कहीं से खरीद के लाता है, जिसको कहते हैं C&F, यानी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और इन कंपनी और कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के बीच आज संचार क्रांति में एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ गई, जिसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट। कंपनी अगर कोई भी इस पुराने बाजार में कोई भी कंपनी अगर सामान 40 का बनाती है, 10 का मुनाफा लेके 50 में बेचना चाहती है, लेकिन आज बिना प्रचार के कोई विज्ञापन के बिना सामान नहीं मिलता। और ये बिकने के लिए प्रचार बड़े बड़े 20% से ज्यादा पैसा उस सामान पे लोड हो जाता है और यहाँ से यहाँ के लोग पूंजी लगा के बैठे हैं, जिनको कम से कम 30-40% पैसा देना पड़ता है। और ये 50 का सामान 100 रुपया में अगर हमारे यहाँ आता है तो ये 100% हो जाता है, जिसमें 50% इन लोगों का मार्जिन रख के MRP कंपनी रखती है। इसपे हमारे 90% लोगों के ऊपर कोई असर किसी का नहीं नजर जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे विकसित होते गए और कुछ लोग दिमागदार लोग यहाँ से बीच में उस कंपनी के नाम पे डुप्लीकेट काम करना शुरू किया, और इस डुप्लीकेट से आज हम सब लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं खान पान की गड़बड़ी से। लेकिन उसके अलावा इस डुप्लीकेट से जब कंपनियों की अच्छी कंपनी का साग बिगड़ना शुरू हुआ, अच्छी कंपनी के बदनामी होने शुरू हुए, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस बात को देखा और महसूस किया कि आखिर ये कस्टमर और हमारे बीच के बीच वाले लोग दो नंबर करते हैं, जिससे कस्टमर भी परेशान है और कंपनी भी परेशान है। और बीच में बिचौलिए लोगों के चलते आज सरकार बहुत बड़ी टैक्स मारी जा रही है। इन तमाम कारणों को देख के ये देखा गया कि अगर यहाँ कस्टमर न रहे तो इस बाजार में इस बाजार का कोई अस्तित्व नहीं, और आज कस्टमर का इस बाजार में कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा देखा गया कि ग्राहक रहे, सारे लोग रहे और कंपनी न रहे, तो ये कंपनी के बिना बाजार का कोई अस्तित्व नहीं, और आज इस डुप्लीकेट के चलते कंपनी का भी अस्तित्व नहीं। तो ये देखा गया कि इस पुराने बाजार से इन बिचौलियों को निकाल बाहर कर दिया जाए, कंपनी माल बनाए और बेचने का जिम्मा ले रहे, ग्राहक खरीदारी का जिम्मा ले रहे। तो ये बेचने और खरीदारी का जिम्मा अगर लेते हैं तो कंपनी बना के बेचने का जिम्मा लिया और हम खरीद के खाते रहे, और प्रचार वाला काम हमने अगर किया तो ये 50% पैसा बीच में जो जा रहा था वो बच जाए। और इसी सिस्टम पे इसकी शुरुआत 1959 में अमेरिका कनाडा से हुआ, जिसको कहते हैं MLM। ये सिंगल लेवल मार्केटिंग है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, लेकिन इसी सिस्टम से हमारी कंपनी काम करती है, जिसको कहते हैं RCM। RCM कोई कंपनी नहीं, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को चलाने वाले त्रिलोकचंद छाबड़ा, TC छाबड़ा जी एक बार चाहेंगे, जो भी जहाँ है बड़े सम्मानित ताली से उनका स्वागत करेंगे, एक बार सम्मान देंगे हम उनको, क्योंकि उनके दिल में ये विचार है इस सिस्टम के देखने के बाद। और उनका पुराना 1977 से उनका टेक्सटाइल का काम है, वो कपड़े का काम करते हैं टेक्सटाइल। और 1986 में उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
ये भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, ये कोई विदेशी कंपनी नहीं है। और ये 2000 में इन्होंने MLM में कदम रखा और नाम रखा आरसीए। उन्होंने ये चीज देखा कि अगर ये 50% पैसा बच जाता है और ग्राहकों को जो डुप्लीकेट मिलता है उससे भी बच जाता है, तो कैसे इन ग्राहकों के लिए कैसे हम एक बड़ा रास्ता बना दे। उन्होंने सबसे पहले इन 90% लोगों के फायदे के बारे में सोचा। उस समय जिस समय इनके पास कोई एक प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, मात्र एक पैंट पीस से इन्होंने शुरू किया था, उस समय इनके मन में ये विचार पैदा हुआ कि फायदा क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला फायदा कि यहाँ 100% इस बाजार में क्वालिटी की गारंटी हो जाएगी, और जैसे क्वालिटी की गारंटी होगी तो दूसरा फायदा यह होगा कि हम आम लोगों का स्वास्थ्य जो आज गिरता जा रहा है वो स्वास्थ्य रक्षा हो जाएगा। तीसरा फायदा उन्होंने सोचा कि यहाँ बाजार में कोई दुकानदार का कोई रेट का ठिकाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दाम पूरे हिंदुस्तान में एक दाम में मिलेगा, कोई कम बेस करने की जरूरत नहीं है। चौथा फायदा बाजार से कम दाम, जो सामान 100 रुपए का बाजार में है उस क्वालिटी का सामान हमारे यहाँ 90 रुपए में मिलेगा, ये भी गारंटी। तीसरा चौथा पांचवा फायदा है खाने से, पांचवा फायदा है MRP से 10-20% छूट, ये छूट भी मिलेगा आपको, होलसेल रेट में मिलेगा, ये रिटेल रेट में नहीं मिलेगा। छठा ये खाने से, इतने फायदे के बाद अगर खाने से आपके खाते में आज तक 50 पैसा नहीं आया, लेकिन यहाँ खाने से 35% रिटर्न कमीशन कंपनी आपके खाते में डालेगी हर महीने। और सातवां बताने से 45% की कंपनी आपको भागीदार मानती। आज किसी एक छोटे से दुकान में अगर हम भागीदार बनने जाए तो उसका पार्टनरशिप लेने के लिए उसके पास पैसे स्टॉक देने पड़ेंगे, फिर भी भागीदार कोई नहीं बनाएगा। और आज ये कंपनी हजारों प्रोडक्ट अगर बना के सेल करती है, उस हजारों प्रोडक्ट के आप पार्टनर बनते हैं, और इसमें भी करोड़ों अरबों की संपत्ति के पार्टनर बनने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और उस डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सबसे पहला अपना फोटो, दूसरा कोई भी ID प्रूफ, टेस्ट प्रूफ, चौथा पासबुक जिसमें आपके खाते में पैसा जा सके। ये फोटो देते हैं, सबका फोटो लिया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, और ऑनलाइन करने के बाद कंपनी इंस्पेक्शन लगाती है, नियम के अनुसार आपको 2000 से ऊपर की खरीदारी की खरीद अपने घर के वो नमक तेल मसाले खरीदने हैं, और इतना ही करने से आपको ये अरबों खरबों की कंपनी का पार्टनरशिप मिल जाता है। इस पार्टनरशिप मिलने के बाद कंपनी ने कहा कि ये 32% तक तो ये कमीशन आपको मिलता है, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक का फायदा डिस्ट्रिक्ट डीलर तक का पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ खाने से मिलता है। आप यहाँ अपने नीचे करें ना करें, कोई टीम में आप जुड़ते हैं वो टीम नीचे नीचे काम करता है, और यहाँ पे आपके नीचे एक टीम बनता चला जाता है, और कंपनी देती है परफॉर्मेंस बोनस 10-32%, और ये 32% तक जाता है। अगर कोई आपके नीचे यहाँ अपना ए और बी चलाता है, आप नहीं भी काम करते हैं, नेटवर्क नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ कोई 32% कैसे जाता है, तो आप इनके ऊपर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ खरीद के खाने से 32% तक का इनकम आएगा। शुरुआत 10% से होगा, लास्ट 32% तक आएगा नेटवर्क बनाने के बिना। लेकिन अगर आपके मन में ये इच्छा प्रबल होती है कि 5000 बीवी पर हमको 2000-1800 का कमीशन आता है, तो क्यों नहीं हम भी लाखों कमाएं, तो आप सप्लाई के कांटेक्ट में होके आप अपना दोनों तरफ, एक तरफ परिवार को लगाएं और दूसरे तरफ रिश्तेदार को लगाएं, ये दोनों तरफ अगर नेटवर्क बनाते हैं, और ये दोनों तरफ अगर 32% पर कोई चला गया तो आप जाते हैं रॉयल्टी बोनस के हकदार हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है रॉयल्टी
3 से 8% आपको मिलता है, और उस रॉयल्टी पे आज तीन तरह के लोग धरती पे हैं, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। चौथा आज एक ऐसा काम अजूबा, धरती का 8वां अजूबा, जिस काम को हम अपने मेहनत के बल पे अगर खड़ा कर दे तो हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे को भी इसकी रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी और एक व्यवसाय उसके पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलता रहेगा। ये इतना सुनहरा अवसर है और आप होते हैं रॉयल्टी पे, और जैसे रॉयल्टी दोनों तरफ ये लोग, एक एक आदमी अगर रॉयल्टी पे चला गया तो आप टेक्निकल पे जाते हैं और टेक्निकल बोनस कंपनी कहती है कि ये आपका 1 से 5% होता है और ये टोटल 32, 40, 45, 45% डिटेल की जानकारी के लिए। ये 45% के आप मालिक होते हैं, डिटेल की जानकारी के लिए आप अपने उन अपलाइनों के साथ बैठ के कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कहां से मिलता है, ये सारी जानकारी आप अपने सीनियर अपलाइन, किसी भी टीम किसी भी जगह से आप हैं उन सीनियर अपलाइन से पर्सनल काउंसलिंग कीजिए, अपने टीम की काउंसलिंग कीजिए और आज इस व्यापार का लाभ पूरा से पूरा लीजिए। 2000 से चल के 2020 में इस कंपनी में उस समय लोग लग के चलने वाले लोगों को आज 30 से 40 लाख रुपए महीने का इनकम मिल रहा है, और इस टीम में आज बहुत सारे जैसे मुकेश जी हैं, रामश्री सर हैं, सुमन जी हैं, मुकेश सिंह मुजफ्फरपुर, ऐसे बहुत तमाम लोग हैं, और सबसे शानदार तो आपके लीडर लाल किशोर जी ने जो कमाल किया है, आज 50,000 इनकम महीने का ले रहे हैं और ये 50,000 ले रहे हैं तो इस हिंदुस्तान में कोई 50 लाख भी ले रहा है। ये है मार्केटिंग प्लान, कितना समय लगा एक बार आप देखें, और हम चाहेंगे कि इस प्लान को हम लोग डुप्लीकेट करें और इसी तरह का प्लान हम दिखाएं ताकि हम सब लोग एक टाइगर बन के एक तरीके का प्लान हम लोग डुप्लीकेट करें। इसी के साथ जय आरसीएम।